हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो से हम लोग एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो है यूजेस ऑफ आर्टिकल द। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, एक ही टॉपिक को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है। लेकिन लंबा नहीं खींचा जा रहा है, आर्टिकल द के जो यूजेस हैं वो इतने वास्ट हैं, वो इतने सारे हैं कि उनको सही तरीके से समझने के लिए उनको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ना जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कहाँ हम आर्टिकल द लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपको माइंड में होने चाहिए कि मुझे किस एड्रेस से पहले द लगाना है या कहाँ पर नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या इनको आप याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखने में चीज बहुत सिंपल है, आर्टिकल द जो है वो नो डाउट, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ रूल्स बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं, लेकिन हमें जो चीज याद रखनी है इसमें वो ये कि कहाँ हमने इसको यूज करना है, कहाँ नहीं, वो डिटेल में चीजें, वो जगह हमें याद होनी जरूरी है, जिसके लिए हम बार बार इस टॉपिक को टेकअप कर रहे हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा ना हो जो मैं छूट जाऊं आपको बताने से और आप उसमें बाद में कंफ्यूज हो जाएं। हम पिछले कई वीडियो से आर्टिकल द के यूजेस पढ़ रहे हैं और एक जो यूज हम इसका डिस्कस कर रहे हैं वो है नेम्स विद एंड विदाउट द। क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये वो हिस्सा है आर्टिकल द के यूजेस का जहां पर हमें याद रखना जरूरी हो जाता है कि कहाँ हमें द लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। क्योंकि यहां अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी, आपसे कोई भी गलती हो गई, तो आपको बाद में गलती आपसे होगी ही होगी। इसलिए हम लोगों ने पिछले कई डिस्कशंस में, पिछले कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया आर्टिकल द के यूजेस कि कहाँ उसको लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि कहाँ हमने आर्टिकल द के यूजेस को लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमारा एम्फेसिस जो रहेगा वो उन जगहों पर रहेगा या उन सिचुएशंस पर रहेगा या उन नाउन्स पर रहेगा जहां पर हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नाम पढ़ते हैं या किसी जगह का एड्रेस पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर ही नहीं होता है कि इसमें द लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि कहाँ द लगना है और कहाँ नहीं लगना है। अदरवाइज आप उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जहां नहीं लगाना है वहां चांसेस लगा दें, जहां नहीं लगना है वहां पर आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक हमने आज लेना है उसमें हमारा एम्फेसिस रहेगा उन नाउन्स पर जहां पर हम द नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम द कहाँ नहीं लगाएंगे, नेम्स विदाउट द, कहाँ पर हमने आर्टिकल द नहीं लगाना है। हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेम्स विदाउट द। विदाउट द मीन्स जहां पर हमें द नहीं लगाना है। सबसे पहला नेम ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स, स्क्वेयर्स एंड पार्क्स। आपके शहर में जहां पर भी किसी सड़क का नाम कुछ रखा गया है या किसी रोड का नाम रख लिया जाता है, किसी पार्क का नाम है या किसी चौराहे का नाम है, स्क्वेयर किसी चौक का नाम है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कहीं एड्रेस बताते हैं या एड्रेस लिखते हैं तो एक कंफ्यूजन यूजुअली मन में रह जाती है कि द लगना है या नहीं लगना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं यूनियन स्ट्रीट। अब यहां पर स्ट्रीट का नाम, सड़क का नाम यूनियन स्ट्रीट है, तो अब यहां पर दिस इज अ नेम ऑफ अ स्ट्रीट, तो रूल के हिसाब से रूल ये कहता है कि आप यहां पर आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, आप द यूनियन स्ट्रीट नहीं कहेंगे, आप यूनियन स्ट्रीट कहेंगे। स्ट्रीट के साथ साथ रोड, स्क्वेयर एंड पार्क्स। अगर कोई पार्क का नाम है, कोई चौराहे का नाम है, चौक का नाम है, तो वहां पर भी आप द नहीं लगाएंगे। तो पहला रूल हमने समझा नेम ऑफ स्ट्रीट, रोड, स्क्वेयर एंड पार्क्स, इनसे पहले द नहीं लगेगा। देन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में हम क्या काउंट करेंगे, एयरपोर्ट्स, स्टेशंस एंड यूनिवर्सिटीज। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स गिनी जाती हैं जिनके साथ हम द नहीं लगाएंगे। किसी एयरपोर्ट का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, आप इसको अगर
डेली अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देखें या सोच कर देखें तो आप पाएंगे कि इस रूल को याद रखना आसान है आपके लिए। कैसे? मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हम हमेशा कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, हम कभी भी द पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं। हम हमेशा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहते हैं, द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं। एयरपोर्ट के नाम है, हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, दी इंदिरा गांधी नहीं कहते, छत्रपति, है ना। लाइक बस जितने भी एयरपोर्ट्स के नाम है, तो ये वो रूल है, इसलिए द नहीं लगता क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें एयरपोर्ट्स आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गई या आपके स्टेशंस आ गए, रेलवे स्टेशंस आ गए, इनके नाम से भी पहले हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। देन इफ द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ अ प्लेस और पर्सन, अब इसको समझना ज्यादा जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी एड्रेस में, अगर किसी बिल्डिंग के नाम में का पहला अक्षर जो है, उसका पहला वर्ड जो है, उसमें किसी पर्सन का नाम है या किसी प्लेस का नाम है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट। अब देखा जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ड, कि अगर किसी एड्रेस का पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट वर्ड क्या है? कैम्ब्रिज। नाउ कैम्ब्रिज इज व्हाट? इट इज नेम ऑफ अ प्लेस, जगह का नाम है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, पहला अक्षर जो है, पहला वर्ड जो है, वो एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए हम इससे पहले द नहीं लगाएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगा, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं होगा। वैसे ही विक्टोरिया स्टेशन, अगेन स्टेशन बिल्डिंग है, राइट, लेकिन पहला वर्ड क्या है? विक्टोरिया, नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। तो हमारा रूल ये कहता है कि इफ द फर्स्ट पर्सन इज द नेम ऑफ अ प्लेस और पर्सन, तो हम द नहीं लगाएंगे। देन नेम ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, होटल्स नेम्ड आफ्टर पर्सन। अक्सर हम लोग अगर रेस्टोरेंट की बात करें हम, या जो फूड चेन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, KFCs है, राइट, तो ये हम हमेशा कहते हैं मैकडोनल्ड्स, दो मैकडोनल्ड्स कभी नहीं कहते, हम हमेशा KFC कहेंगे या द KFC नहीं कहेंगे। मीन्स जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी शॉप्स हैं, जितने बैंक्स हैं, होटल्स, इनके नाम से पहले अगर किसी पर्सन का नाम है, तो हम द नहीं लगाते हैं। हमने एक रूल पिछले यूनिट में पढ़ा था कि जो होटल्स के नाम है उनसे पहले हम द लगाते हैं, या हम इसको आगे आने वाले यूनिट्स में भी डिस्कस करेंगे कि होटल्स के नाम से पहले द लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अकेला होटल का नाम बोल रहे हैं तो हमेशा द आएगा, द ताज, राइट, द इंपीरियल होटल। लेकिन अगर उस होटल का के नाम में पहला वर्ड किसी पर्सन का नाम है, नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, तो हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी प्रॉपर नाउन है, जो भी नेम ऑफ अ पर्सन है, उनसे पहले हम कभी द नहीं लगाते हैं ना, प्रॉपर नाउन से पहले कभी द नहीं लगेगा। तो उसी लॉजिक के हिसाब से अगर किसी जगह का नाम नाम में पहले किसी पर्सन का नाम आता है तो हम वहां पर द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, बार्कलेस, दीज आर ऑल नेम ऑफ अ पर्सन, जगह के नाम है लेकिन उसमें पर्सन का नाम है, इसलिए हम वहां पर द नहीं लगाएंगे। वैसे ही नेम्स ऑफ कंपनीज, एयरलाइंस, अगर किसी हम कंपनी की बात कर रहे हैं या किसी एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो उनके नाम से पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल IBM है, सोनी है, नोकिया, सैमसंग, आप ने थिंक ऑफ नेम ऑफ कंपनी, हम कभी द नहीं लगाते हैं। वैसे ही जितनी भी एयरलाइंस हैं, इंडियन एयरलाइंस है, चाइनीज एयरलाइंस है या सिंगापुर एयरलाइंस है, इनसे पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। तो आज की हमारी इस डिस्कशन का जो बेसिक फोकस रहा वो रहा कहाँ कहाँ, वो कौन कौन से नेम्स हैं जिनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे, स्ट्रीट, रोड्स एट्सेट्रा हैं, लाइक बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमने आज इसमें डिस्कस किए। इसी की कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट समझेंगे, इससे अलग समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको भी बैंक का ही एग्जाम्पल दिया कि
कि यहाँ पर हम द नहीं लगाते हैं, है ना, या होटल का नाम दिया का एग्जाम्पल दिया कि होटल के अगर किसी पर्सन के नाम पे कोई होटल है हम तो द नहीं लगाएंगे, बट अगर होटल अकेला है तो द लगेगा। तो इस तरह की जो कंफ्यूजिंग सिचुएशंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ उन नेम्स के बारे में बात की है जहां पर हम द नहीं लगाएंगे। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है अलग अलग से विद एग्जांपल्स जो दी है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको कोशिश कीजिए याद करने की। याद इन द सेंस कि आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे जब, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कहाँ पर मुझे लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज में, ब्लैंक्स में, क्योंकि जब आप रूल समझते हैं तब आपको लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन अगेन मैं फिर कहूंगी कि जब आप उसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि अच्छा एयरलाइंस में लगना था या नहीं लगना। कई बार तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार की प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पर भी आपको याद रखना है किसी भी चीज को, उसको आपको बार बार गो थ्रू होना पड़ेगा ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की कॉन्टिन्यूशन पढ़ेंगे जहां पर हम इसी से मिलता जुलता और जहां जहां जो भी डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं जहां हम द लगा सकते हैं या कहां नहीं लगा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।